हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 18 और टॉपिक है रैखिक समीकरण का ग्राफ या निरूपण, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लास्ट क्लास में भी हमने रैखिक समीकरण को ग्राफ पर निरूपित करना सीखा था, तो आज देखते हैं आज हम कौन सी रैखिक समीकरण को ग्राफ में शो करेंगे। तो लास्ट जो हमने सीखा था वो हमारी थी समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण थे। अब मान लीजिए हमारे पास समीकरण है x = 4। अब x = 4 का मतलब कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही चर है, तो हम सिर्फ x अक्ष पर से दर्शा सकते हैं। हमने x अक्ष ये ड्रॉ किया और 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारा x = 4 हो गया, है ना। लेकिन अगर हम इस x = 4 को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदलें तो क्या होगा? हम इसे लिख सकते हैं 1 × x, और क्योंकि यहाँ y नहीं है तो हम 0 × y लिख सकते हैं, तब भी वो x = 4 ही रहेगा। तो हमने इसे बदल के क्या लिख दिया, 1 × x + 0 × y = 4। तो इस रूप में हमने इसे लिख के दो चर वाली समीकरण बना दिया। अब हमें पता है दो चर वाली समीकरण को ग्राफ में दिखाने के लिए हमें उसके हल चाहिए होते हैं, और हल निकालना हमें आता ही है। तो आइए अब इसके पहले हम हल निकालते हैं ग्राफ में करने से पहले। तो अब ये जो हमारी समीकरण है इसमें हम y के मान रखते जाते हैं। मान लिया हमने y का मान 1 रखा, तो x = 0 × 1 = 4। तो x क्या मिला, 4 मिला, यानी x = 4, y = 1। अब रख लेते हैं हम y को 0, यानी x = 0 × 0 = 4। तो x का मान क्या आया, फिर से 4 आ गया, यानी y 0 है तो x 4 है। अब लास्ट एक रखते हैं -1, x = 0 × -1 = 4। तो फिर से हमें x मिल गया 4 के बराबर, यानी -1 रखा तो भी उत्तर 4 आया। तो अब हम इसे हल युग्म में बदलें। यहाँ मिला हमें 4, 1, यहाँ 4, 0 और यहाँ 4, -1। तो आप देख रहे हो हर बार x अक्ष जो है वो 4 ही है, y की वैल्यू बदल रही है लेकिन x की वैल्यू नहीं बदल रही। अब हम इसे ग्राफ पर दिखाते हैं कि जब हम इनके लिए ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा होगा। हमें ग्राफ किसके लिए बनाना है, हमें बनाना है 4, 1 के लिए, 4, 0 और 4, -1 के लिए। तो इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ ग्राफ में हमें पता है ये है हमारा x अक्ष, ये तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, और ये है हमारा y अक्ष, और यहाँ है हमारा मूल बिंदु जहाँ x भी 0 है और y भी 0 है। अब हम अपना पहला बिंदु लेते हैं, यानी पहला निर्देशांक है हमारा 4, 1, यानी x 4 और y 1। तो x तो ये रहा 4 और y 1, यानी यहाँ से यहाँ। तो ये हमारा पहला बिंदु हो गया 4, 1। अब दूसरा निर्देशांक है 4, 0, यानी 4 और y के लिए ना ऊपर जाना है हमें ना नीचे, क्योंकि y तो 0 है। तो ये मिल गया हमें हमारा दूसरा निर्देशांक। और तीसरा है 4, -1, तो 4 यहाँ से और माइनस के लिए नीचे बढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ से ये माइनस की लाइन गई y की, और ये मिल गया हमें हमारा तीसरा निर्देशांक। तो अब हमें इन तीनों को ज्वाइन करते हैं तो हमें ये लाइन मिली। ये लाइन देख रहे हो आप, इसे अगर हम एक्सटेंड करें आगे बढ़ाएं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है y अक्ष के समांतर एक रेखा। हमारी जो ये ग्राफ बना है वो y अक्ष के समांतर है, क्योंकि y की वैल्यू बदल रही है और x की वैल्यू वही की वही है। तो यहाँ हमें ग्राफ मिला है y अक्ष के समांतर। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी y की वैल्यूज़ तो बदल रही हैं लेकिन x वहीं का वही है, वही पॉइंट हम ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर समीकरण y = 0 हो है तो वो x अक्ष होता है, और समीकरण x = 0 हो तो वो y अक्ष को दर्शाएगा। यानी अगर हमारी समीकरण है y = 0 तो y तो 0 है
और सिर्फ x ही हिल सकता है, या तो x इधर जा सकता है या x इधर जा सकता है, लेकिन y जो है वो फिक्स रहेगा, वो ज़ीरो रहेगा। तो वो x अक्ष की हो गई हमारी समीकरण। और अगर x बराबर ज़ीरो है यानी y ऊपर नीचे जा सकता है लेकिन x नहीं हिलेगा, तो वो समीकरण हो जाती है हमारी y अक्ष के लिए। अब देखते हैं हमें प्रयास के लिए क्या प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रयास के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है y बराबर ज़ीरो। अभी मैंने आपको बताया y बराबर ज़ीरो यानी कौन सा अक्ष हो जाएगा, y ज़ीरो है तो y का उल्टा x, तो कौन सा अक्ष हमें दिखाना होगा ग्राफ पेपर पे, x अक्ष। यानी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करके सिर्फ x अक्ष जो है वो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा y बराबर ज़ीरो के लिए। और इसमें आप मान रखकर भी दिखा सकते हैं, आप पूरा हल करेंगे इसे। जैसे इसे लिखेंगे आप y जमा ज़ीरो एक्स बराबर ज़ीरो, और फिर मान रखते जाइए और y के मान आपको मिलते चले जाएंगे। दूसरा प्रश्न है y बराबर माइनस पाँच। तो समीकरण को कैसे लिखेंगे हम, ज़ीरो गुणा एक्स जमा वाई बराबर माइनस पाँच। अब क्या होगा, हम x के चाहे जितने भी मान रखें हर बार हमें y बराबर माइनस पाँच मिलेगा। तो y हमारा कहाँ है, यहाँ पर y अगर हम इसे बढ़ाएं तो हमारा माइनस पाँच हमें मिलेगा यहाँ, ये होगा माइनस पाँच। तो x के मान तो चलते रहेंगे, अब क्योंकि y की वैल्यू है तो किसके समांतर आएगा समीकरण, हमारा ग्राफ x के समांतर आएगा। x की समीकरण होगी तो y के समांतर, y की समीकरण है तो x के समांतर। तो आप x के मान तो रखते जाओगे लेकिन y का मान नहीं बदलेगा, तो ग्राफ हमारा ये बन गया, हमारा ग्राफ जो किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर। तो ध्यान रहेगा समीकरण अगर एक चर जो हमारा x है उसी में है तो ग्राफ बनेगा y अक्ष के समांतर, और अगर समीकरण सिर्फ y चर में है तो ग्राफ बनेगा x अक्ष के समांतर। अब बताइए इसका ग्राफ x बराबर माइनस थ्री, इसका ग्राफ किसके अक्ष के समांतर बनेगा, यहाँ x दिया हुआ है तो किस अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के। और इसकी भी आप समीकरण बनाएंगे, x जमा ज़ीरो गुणा y बराबर माइनस तीन। अब इसमें आप वैल्यू रखेंगे और हल निकाल के जैसे हमने पहले ग्राफ ड्रॉ किया उसी ढंग से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी 2x माइनस थ्री, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 2x बराबर तीन, और फिर बदला तो 2x जमा ज़ीरो गुणा y बराबर तीन। अब इस समीकरण से हमें बॉक्स बना के हल निकालने हैं और फिर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो है ना मज़ेदार, इसे हम आराम से कर सकते हैं। तो इसे आप हल कीजिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।